हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, और इसमें चल रहा है लेसन नंबर 2, स्विच और आइसोलेटर। ठीक है, तो इसमें आपको स्विच खत्म हो गया था, हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोलेटर के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 हम लोग पढ़ चुके थे, और लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान जाए कि लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। तो लेक्चर नंबर 14 में मैंने आप लोगों को बताया था कि 33 kV आपके आउटडोर इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यानी लेक्चर नंबर 15 में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर इंसुलेटर जो है क्या होता है। पावर इंसुलेटर, ठीक है, चलिए सिंपल आपको पता ही है पावर इंसुलेटर क्या होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं कि पावर इंसुलेटर क्या होता है। इसके बाद जो है आप लोगों की पूरा जो ये थ्योरी प्रोसेस है वो आपका खत्म हो जाएगा, और इसमें जो आपका बचेगा वह डिफरेंस बताना रहेगा। ठीक है, कि आपका स्विच और आइसोलेटर में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो इस तरह के कई सारे चीजें हैं जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको देखते हैं पावर आइसोलेटर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पावर आइसोलेटर जो होता है आपका एक ऐसा आइसोलेटर होता है जिसका प्रयोग लोड और नो लोड, लोड एंड नो लोड, नो लोड लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन दोनों ही स्थितियों में इसका प्रयोग जो है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो आइसोलेटर होते हैं वो दो तरह के बनाए जाते हैं। एक आपका आइसोलेटर यानी कि एक पावर आइसोलेटर आपके ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें फ्यूज की व्यवस्था रहती है, और दूसरे पावर आइसोलेटर ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें फ्यूज की व्यवस्था नहीं रहती है। ठीक है, इस तरह के जो आइसोलेटर होते हैं वो भी आइसोलेटर जो 33 kV का आउटडोर टाइप आइसोलेटर होते हैं ठीक उसी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होता है कि एंगल आयरन का बना हुआ एक बेस होता है, और उस बेस पे क्या होते हैं इंसुलेटरों का एक सेट स्थापित रहता है। ठीक है, और उन इंसुलेटरों के सेट में उसमें भी आपके दो इंसुलेटर क्या रहते हैं स्थिर रहते हैं, और एक इंसुलेटर आपका क्या करता है मूव करता रहता है, यानी कि शाफ्ट के द्वारा वो बेयरिंग बेयरिंग की सहायता से शाफ्ट के द्वारा जो मध्य का इंसुलेटर होता है वो क्या होता है रोटेट करने लगता है। ठीक है, सेम टू जो इसका वर्किंग प्रोसेस है वो 33 kV इंसुलेटर के तरह ही है। ठीक है, तो इसमें और चीजें क्या होती है कि जो आपका पावर आइसोलेटर होता है इसमें आग बुझाने की भी व्यवस्था होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें एक कक्ष बना होता है, आज पावर आइसोलेटर में एक कक्ष बना होता है, और यह कक्ष जो है प्लास्टिक के दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्लास्टिक के दो अर्ध भागों से मिलकर इसमें एक कक्ष बना होता है, और उस कक्ष में क्या होता है कार्बनिक पदार्थ का स्तर लगा होता है। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ ऐसा होता है कि जब आपका आइसोलेटर प्रचालित होता है तो उस समय आपकी आग उत्पन्न होती है। जब आग उत्पन्न होती है तो टेम्परेचर क्या होता है आइसोलेटर का बढ़ता है। जब आइसोलेटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कार्बनिक स्तर है वो गैस में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। जब गैस में परिवर्तित होती है तो कक्ष में जो है गैसों का दाब जो है वो बढ़ने लगता है। जब कक्ष में गैसों का दाब बढ़ने लगता है तो वहां पे जो आग उत्पन्न होती है वो दाब के कारण क्या हो जाती है बुझ जाती है। ठीक है, तो ये चीज है आपका पावर आइसोलेटर। तो पावर आइसोलेटर होता क्या है, पावर आइसोलेटर सिंपल जो है पावर आइसोलेटर आपका एक ऐसा आइसोलेटर होता है जिसका प्रयोग नो लोड और नो लोड दोनों कंडीशन पे जो हम सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये पावर आइसोलेटर दो तरीके के बनाए जाते हैं। पहला पावर आइसोलेटर इस तरीके के बनाए जाते हैं जिसपे आपका फ्यूजों का प्रयोग होता है, और दूसरा पावर आइसोलेटर आपके इस तरीके के बनाए जाते हैं जिसपे आपके फ्यूज नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के आइसोलेटर में भी एंगल आयरन का बना हुआ एक फ्रेम होता है, और उसपे क्या होते हैं इंसुलेटरों का एक सेट स्थापित रहता है जिसमें से दो इंसुलेटर फिक्स रहते हैं और एक इंसुलेटर जो होता है बेयरिंग और शाफ्ट के सहारे अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्या करता है रोटेट करने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है आग को बुझाने की व्यवस्था होती है। इसके लिए इसमें प्लास्टिक के दो अर्ध भागों से बना हुआ एक कक्ष होता है जिस पर आपके कार्बन के अस्तर लगे होते हैं। ठीक है, और ये कार्बन के अस्तर ऐसे होते हैं ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो टेम्परेचर पाते ही गैस में क्या हो जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये आइसोलेटर प्रचालित होता है लोड या नो लोड कंडीशन पे तो उससे क्या होते हैं आग उत्पन्न होता है। आग उत्पन्न होता है तो आइसोलेटर का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। जब आइसोलेटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो कार्बनिक स्तर लगा होता है वो गैस में परिवर्तित होने लगती है, और जब वो गैस में परिवर्तित होने लगती है तो उस समय क्या होता है कि कक्ष का दाब जो है बढ़ जाता है जिसके कारण आपकी आर्क जो होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका पावर आइसोलेटर था। यहाँ पे जो है आपकी पूरी जो लेंथी थ्योरी थी ये सारी खत्म हो गए।
बस कुछ डिफरेंट चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास चला जाए, ठीक है। फिलहाल इस सेमेस्टर के सारे लेक्चर जो हैं इस चैनल में पढ़ने चालू हो रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं आपके कनेक्ट के उन सबको आप शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस चैनल का फायदा उठा सके, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।